विधायक बिसेन के बिगड़े बोल, सत्ता के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने के लिए मंच से धमकाया। तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों पर भी उतारा गुस्सा। जिला पंचायत चुनाव और जनपद पंचायत कटंगी चुनाव में भाजपा की हार के बाद अपनी हार का ठीकरा विधायक गौरीशंकर बिसेन प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों को सत्ता के दबाव में काम करने की धमकी तक दे डाले। बिसेन ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उससे सबक सिखाया जाएगा। बैठक में नवनिर्वाचित सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं पार्षदों को आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा सभी विभागों के अफसर भी पहुंचे थे, जहां पर विधायक गौरीशंकर बिसेन अफसरों को खुले मंच से धमकाते हुए सुनाई दिए। उन्होंने कटंगी तहसीलदार से कहा कि बहुत शिकायतें मिल रही हैं और थाना प्रभारी को बोरिया बिस्तर बांधने के लिए कहा। बता दें कि विगत दिवस 28 जुलाई को जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान थाना प्रभारी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन को पहचानने में चूक हो गई थी, जिससे विधायक गौरीशंकर बिसेन नाराज थे और अपनी इस नाराजगी को उन्होंने इस बैठक के जरिए दूर की। मगर विधायक बिसेन की धमकी से एक बात तो साफ हो गई है कि वह आगामी समय में होने वाले नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष चुनाव को लेकर अफसरों को संकेत दे रहे थे। सरकार हमारी, प्रधानमंत्री हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, यहाँ का भी प्रशासन तमाम है। सरकार के आपके सर पे काम होना चाहिए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है दिवेश कुमार देशमुख बोल रहे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है पूरनलाल चौधरी बोल रहे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है यशवंत जी बोल रहे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और बोल रहे हैं कि बीजेपी का आधार स्तंभ है इनके साथ में। आज मेरे अवसर पर मैं तुरंत बहुत शिकायत आपकी थानेदार ने लेकर विषय को नहीं पहचाना, ये कैसे रहेगा थाना, कल चला जाएगा कोई भी भाई कोई के वालों के यहाँ अभी मेरा फोन करेगा इसके आप तैयारी कर जिला पंचायत के अध्यक्ष है सर और जो लोग मेहमान है वो यहाँ मेहमान है Thank you.